अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गर्ग IAS एंड PSC क्लासेस। दोस्तों, मैंने जैसा बोला था आप लोगों से कि जैसे ही मार्केट खुलता है तो अपन बोर्ड की व्यवस्था कर लेंगे, तो हमारी टीम ने बोर्ड की व्यवस्था कर दी। अब आपकी पढ़ाई कंटिन्यू हो जाएगी। दोस्तों, आज से हम अपने क्लासेस का एक नया शेड्यूल बना रहे हैं, ठीक है। उस शेड्यूल के अंतर्गत हमारी स्टडी होगी। दोस्तों, अब आपकी बारी है, आप हमारे क्लासेस से जुड़िए, हमारे क्लासेस से जुड़िए और अपनी तैयारी को, अपनी प्रिपरेशन को एक नया आयाम दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज हम शेड्यूल की चर्चा करेंगे कि हमको पढ़ाई कैसी करनी है, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों, मैं आप लोगों को बताऊंगा GS के बारे में। GS ये दोस्तों हमारा होता है फर्स्ट पेपर, ठीक है। हमारा कौन सा पेपर होता है? हमारा ये हमारा तो दोस्तों फर्स्ट पेपर IAS का यही होता है और PCS का भी यही होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम सबसे पहले देखते हैं जनरल स्टडी, जो हमारा फर्स्ट पेपर होता है। तो इसमें यह किस किस का होता है, सबसे पहले अपन इसके सब्जेक्ट की चर्चा करेंगे। सबसे पहला हमारा होता है दोस्तों हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री में हमारे जो पार्ट्स रहते हैं तो टू पार्ट्स रहते हैं, एक हमारी होती है वर्ल्ड हिस्ट्री और एक हमारी होती है दूसरी हमारी इंडियन। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सबसे पहला जो हमने चर्चा कर रहे हैं GS, जो हमारा पहला पेपर होता है, ये IAS का भी होता है और PCS का भी होता है। सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री की। तो जो हमारा GS में पहला पोर्शन होता है हिस्ट्री का, तो हिस्ट्री का वर्ल्ड होती है और इंडियन। अब दोस्तों, इंडियन में भी इसके तीन पार्ट होते हैं, ठीक है। पहला होता है एंशियंट, दूसरा होता है मिडिवल और तीसरा होता है मॉडर्न, ठीक। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्राचीन भारतीय इतिहास, इसको मध्यकालीन और इसको आधुनिक भारतीय इतिहास। तो दोस्तों, हिस्ट्री के हमारे तीन सेगमेंट होते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा दोस्तों सब्जेक्ट होता है पॉलिटी। इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? राजनीति विज्ञान, ठीक है। तो ये पॉलिटी होता है, इसमें पॉलिटी में हमको सारा कुछ अध्ययन करना पड़ता है, हमारे संविधान का इसमें अध्ययन करना पड़ता है। तीसरा होता है दोस्तों जियोग्राफी हमको तीन प्रकार से पढ़नी पड़ती है। पहली पढ़नी पड़ती है दोस्तों फिजिकल जियोग्राफी, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? प्राकृतिक भूगोल। दूसरी होती है दोस्तों वर्ल्ड जियोग्राफी और तीसरी हमारी होती है इंडियन जियोग्राफी। ठीक है दोस्तों, तो हमारी जो जियोग्राफी में इसके तीन सेगमेंट होते हैं। सबसे पहला हमारा क्या होता है? वर्ल्ड जियोग्राफी। दूसरा हमारा होता है फिजिकल। तीसरा इंडियन जियोग्राफी। हम फिजिकल जियोग्राफी के अंतर्गत क्या पढ़ते हैं? बहुत सारी नदियाँ, तालाब, ठीक है, पठार, पर्वत, ये सब हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? फिजिकल जियोग्राफी के अंदर। दूसरा हमारा होता है वर्ल्ड जियोग्राफी। वर्ल्ड जियोग्राफी में हम क्या देखते हैं? जैसे चीन के बारे में, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, जितने हमारे सातों कंटिनेंट होते हैं हम उनका अध्ययन करते हैं। चौथा दोस्तों होता है इकोनॉमिक्स। इसमें क्या पढ़ते हैं दोस्तों? हम इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है।
इंडियन की, भारत की अर्थव्यवस्था। इकोनॉमी में अपन को ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है इकोनॉमी में, भारत की अर्थव्यवस्था हमको पढ़ना रहता है, ठीक है। पांचवा मोस्ट सेगमेंट दोस्तों जो इंपॉर्टेंट है वो कहलाता है साइंस। अब साइंस में हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, तो साइंस में हमारे तीन सेगमेंट रहेंगे। साइंस में कितने सेगमेंट रहेंगे, तीन। सबसे पहला क्या रहेगा, यहां देखिए आप दिख रहा है ना आपको, बायोलॉजी, सेकेंड केमिस्ट्री और थर्ड फिजिक्स। और एक और होता है दोस्तों साइंस टेन। देखिए बायोलॉजी जो होती है दोस्तों, तो बायोलॉजी में हमको क्या ये होता है, ये होता है हमारा जीव विज्ञान। इसमें हम सभी प्रकार की भी वस्तु पढ़ते हैं, पोषण आहार के बारे में पढ़ते हैं कि किस प्रकार का पोषण होता है, पोषण की व्यवस्था कैसी होती है, ठीक है। इसके बाद इसमें हम मानव शरीर का अध्ययन करते हैं, विभिन्न प्रकार की जो डिसीज होती हैं, बीमारियाँ होती हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। और इसमें जो है अपन जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान दोनों का अध्ययन करते हैं, बायोलॉजी, ठीक है, बॉटनी और बायोलॉजी। फिर अपन आते हैं केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में अपन दोस्तों अध्ययन करते हैं अणु, परमाणु और विभिन्न प्रकार के जितने केमिकल्स होते हैं उनके बारे में हम केमिस्ट्री के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। फिजिक्स जो होता है वो होता है हमारा भौतिक शास्त्र। इसके अंतर्गत क्या होता है दोस्तों, जैसे हमारा हो गया बल हो गया, गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, ठीक है, बलों के प्रकार, यांत्रिक बल, कितने प्रकार के फोर्स होते हैं, कैसे कैसे फोर्स लगते हैं, ठीक है, तो इसके बारे में हम इसमें भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स में अध्ययन करेंगे। एक नया टॉपिक है हमारा साइंस टेक। साइंस टेक क्या होता है, यानी कि साइंस टेक्नोलॉजी, यानी कि जितनी प्रकार की न्यू टेक्नोलॉजी लॉन्च हो रही है और यूज़ हो रही है, जैसे रोबोटिक्स हो गई, ठीक है, रोबोटिक्स हो गई और आप में 4G प्रणाली हो गई, 5G प्रणाली हो गई, ठीक है, और जो मिसाइल्स होती हैं, ठीक, अंतरिक्ष विज्ञान का अध्ययन भी हम इसी के अंतर्गत करते हैं। मिसाइल्स हो गया, ठीक है, कैसे कैसे कौन कौन सी मिसाइल लॉन्च हो रही हैं, मिसाइलों का कैसे कैसे यूज हो रहा है, इस प्रकार का अध्ययन हम साइंस टेक के अंतर्गत, मतलब डिटेलिंग, रोबोटिक्स क्या होती है, ठीक है, ये हो गया हमारा साइंस। तो ये हमारा जो GS है फर्स्ट पेपर, IAS और PCS ये दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो जो हमारा IAS है और ये हमारा PCS, ठीक है। PCS में दोस्तों ये राजस्थान PCS हो, MP PCS हो, UP PCS हो और बिहार PCS, ठीक, ये तीनों में PCS के लिए क्या होता है, यूज होता है, ठीक है, ये जो हमारा PCS होता है और IAS के लिए है, ठीक, पांच। दोस्तों अब हमारा छठवां जो इम्पोर्टेंट होता है ये हमारा होता है इन्वायरमेंट, एनवायरनमेंट, ठीक है, इसको हिंदी में अपन क्या बोलते हैं, पर्यावरण अध्ययन। एनवायरनमेंट का मेन सेगमेंट रहता है, यह हमारा छठवां होता है, ठीक है। इसके बाद हमारा सातवां होता है करंट अफेयर, और करंट अफेयर में हमारे दो होते हैं, एक हमारा वर्ल्ड का, एक इंडियन, ठीक है। और जो PCS में रहता है तो वो स्टेट लेवल का करंट अफेयर पूछता जाता है, ये हमारा PCS का हो गया, ठीक है। तो वर्ल्ड का हो गया और इंडियन का हो गया और स्टेट का हो गया, तो ये हमारे तीन प्रकार के क्या होते हैं, ये करंट अफेयर में पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, ठीक है दोस्तों। तो देखिए हमारा जो पेपर फर्स्ट GS के बारे में हमने बात कर ली आपसे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरमेंट, करंट अफेयर, ये हमारा होता है दोस्तों फर्स्ट पेपर। इतना हमको पढ़ना पड़ेगा पूर्ण रूपेण से, तब हमारा IAS कवर होगा और PCS कवर होगा और इसका विस्तृत अध्ययन हमको करना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको आज GS का पहला पेपर के बारे में पूरा बता दिया, ठीक है, अपन को इस प्रकार से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो हमारा GS का फर्स्ट पेपर होता है, तो GS के फर्स्ट पेपर में हमको इतना अध्ययन करना पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों कुछ नहीं पढ़ना, इतने में सब कुछ हो जाना हो। आप सोच रहे होंगे सर आपने तो इतना लिख दिया, इतना सा नहीं है, ये बहुत है, बृहद है, इसको पढ़ते पढ़ते अपना समय भी निकल जाएगा पता भी नहीं चलता, ठीक है।
काफी डाटा है अपना ये। अब दोस्तों ये हमारा जीएस फर्स्ट हो गया, अब जीएस सेकंड के बारे में हम यहीं पर चर्चा कर लेते हैं। जीएस सेकंड जो होता है दोस्तों जीएस सेकंड में हमारे जो क्वेश्चन होते हैं, सबसे पहला होता है डिसीजन मेकिंग यानी कि निर्णय क्षमता। डिसीजन मेकिंग से मतलब ऐसा होता है, जब भी हम क्या करते हैं, अपने को ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि अपन जैसे कोई वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो अपन को डिसीजन लेने की कैपेसिटी कितनी है। जैसे क्वेश्चन आता है कि आप इस जिले के कलेक्टर हैं और इस जिले में ऐसे ऐसी दुर्घटना हो जाती है, तो इस जिले के कलेक्टर होने के नाते आपके क्या कर्तव्य हैं, आपको क्या करना चाहिए, ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन। सेकेंड दोस्तों इसमें पूछा जाता है रीजनिंग के बारे में, क्या होता है रीजनिंग के बारे में। तीसरी होती है मैथ्स। देखिए रीजनिंग में जनरली क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं तो फिगर से रिलेटेड है, ये फिगर है, ये फिगर की क्या काउंटिंग, फिगर काउंटिंग क्या होती है, ठीक है, एक फिगर की संरचना दूसरी फिगर्स किस प्रकार से जनरेट होती है, इस प्रकार के क्वेश्चन रीजनिंग में हमारे पूछे जाते हैं। थर्ड जो होता है मैथ्स, तो मैथ्स जो होते हैं जनरली क्वेश्चन जैसे परसेंटेज वाइज हो गए, परसेंटेज के क्वेश्चन हो गए, ठीक है, प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन हो गए, इसके अलावा जो हमारे दैनिक कुछ मतलब सामान्य गणित पूछी जाती है, इतना कोई हैवी इसमें नहीं पूछा जाता, ठीक है, इसमें नॉर्मली मैथ्स इसमें पूछी जाती है, ठीक है। फिर इसके बाद दोस्तों चौथा हमारा रहता है अनसीन पैसेज, इसमें क्या रहता है, हमको एक गद्यांश दिया जाता है, उस गद्यांश को हमको पढ़ना रहता है और उसको पढ़ने के बाद हमको कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं, तो उन क्वेश्चनों को हमको क्या करना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है, ठीक, इस प्रकार से हमारा ये सेकंड पेपर होता है। इसके अलावा दोस्तों इसमें डिसीजन मेकिंग से संबंधित हो गए, इसके बाद कुछ कम्युनिकेशन से क्वेश्चन रहते हैं, किसके रहते हैं, कम्युनिकेशन से, इसको हिंदी में बोलते हैं संचार कौशल। संचार कौशल मतलब जब यदि अपन एक व्यक्ति अपनी जो बात किसी दूसरे व्यक्ति सामने अपनी बात को रखना होता है, तो अपन किस प्रकार अपनी बात को एक सामने वाले व्यक्ति के सामने रख पाते हैं, तो ये हमारा क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है, यानी कि संचार कौशल, ठीक है, तो ये हमारा होगा दोस्तों सेकेंड। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूँ, देखिए जो हमारा सेकेंड पेपर है इसमें तो क्या रहता है दोस्तों, कट ऑफ बनता है, जो हमारा पहला पेपर है ये वाले का जीएस फर्स्ट का, तो इसका कट ऑफ बनेगा, यानी कि जितना कट ऑफ निकलेगा ना, तो जैसे मान लो 100 क्वेश्चन रहते हैं, 200 मार्क्स का पेपर होता है, तो 200 मार्क्स के पेपर में जितना कट ऑफ जाता है, सपोज जैसे मान लो 160 गया कट ऑफ, ठीक है, 160 मार्क्स गया, तो उसके ऊपर जो मार्क्स पा रहे हैं फिर 160 वो क्वालिफाई होते हैं, तो इसमें कट ऑफ बेस पे इसमें सिलेक्शन होता है, और जो हमारा सेकेंड है इसमें क्वालिफाई मार्क्स रहता है, ये जो रहता है तो ये क्वालिफाइंग रहता है, इसमें 30% मार्क्स हमको लाने रहते हैं क्वालिफाइंग करने के लिए, सेकंड पेपर में कितने, थर्ड आईएएस में भी और पीसीएस में। जैसे अपन 30% इसमें ले आते हैं, सपोज यदि हमारे 100 क्वेश्चन है तो 100 क्वेश्चन में 33 क्वेश्चन हमारे ट्रू होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं इसमें फाइट, हमारा एग्जाम ये वाला फाइट हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, और लेकिन इसमें हमें कट ऑफ बेस पर हमको मार्क्स लाने। तो आज हमने आईएएस और पीसीएस का दोनों का विश्लेषण कर लिए सब्जेक्टों का, कि क्या क्या सब्जेक्ट इसमें हमको पढ़ना रहता है, ठीक है दोस्तों। तो ये वीडियो कैसी लगी ये आप कमेंट जरूर करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ठीक है दोस्तों, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ठीक है दोस्तों, जिससे सभी लोगों का भला हो जाए, ठीक है, तो इस चैप्टर को यहीं तक रखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर के साथ, धन्यवाद।